नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिदेव, टेक्निकल त्रिदेव में आप सबों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लॉकडाउन का दौर चल रहा है और ऐसे में हम लोग को जैसे बाजार कहीं भी निकलना पड़ता है तो उसमें आपको हर जगह पुलिस मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि आपको ई पास बना लेना है। ई पास कैसे बनाते हैं दोस्तों, इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट करिएगा। मैं इस प्रकार का वीडियो बनाते रहता हूँ। ई पास बनाने के लिए दोस्तों एक ऐप का जरूरत पड़ेगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप शुरू से लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चाहे आप सरकारी कर्मी हो या फिर आप ऐसे एज एक पर्सन हो, आपको ई पास मिलेगा, बस उसमें कारण बताना होगा। तो चलिए हम लोग ई पास कैसे बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं और वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग आ गए मोबाइल के स्क्रीन पर। हम लोग को ई पास के लिए ग्रिड एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा, जो प्ले स्टोर से मिल जाएगा। आप ग्रिड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ देखिए, ऑर्गेनाइजेशन आईडी में JH ई पास लिखना होगा, ठीक है, इस प्रकार। उसके बाद यहाँ आप मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिए या फिर ईमेल आईडी, जो भी आप डालना चाहते हैं डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड में आपका जो भी है, पासवर्ड में आप अपना जो कुछ भी डाल सकते हैं आप डाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये ई पास, झारखंड ई पास में अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ डाल दीजिएगा, इस प्रकार डाल दीजिएगा और सेंड OTP कर दीजिएगा। और तब तक के लिए आपको इंतज़ार करना है जब तक OTP नहीं आ जाता है तब तक। दोस्तों, इस प्रकार OTP आ गया है, OTP को मैं यहाँ फिल कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको सिंपल सा यहाँ क्लिक मार देना है। इसके बाद आपको चलिए ओके कर देना है, कुछ मांगेगा तो। उसके बाद लॉगिन कर देना है। लॉगिन इस प्रकार आप कर लीजिए, थोड़ा देरी में ही आ जाएगा। देखिए ये खुल जा रहा है ई पास, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ ई पास में करेंगे, इस प्रकार यहाँ ई पास। मैंने थोड़ा सा पॉज किया था कहा कि डॉक्यूमेंट्स को एक साथ करने के लिए। उसके बाद प्लस वाला चिन्ह में हम यहाँ टैप करेंगे इस प्रकार। उसके बाद देखिए सिलेक्ट बाइक टाइप, इस प्रकार यहाँ क्लिक कर दीजिएगा। मैं टोटल भर दे रहा हूँ, उसके बाद आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार यहाँ अपना बाइक का नाम, मतलब मोटरसाइकिल टाइप ले दीजिएगा, जो भी है कार जो भी है। यहाँ बाइक नंबर, पर्सन कितना है, आपका नाम डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ बहुत सारा ऑप्शन आएगा, आप किस लिए कर रहे हैं, फूड मिल्क सप्लाई, हॉस्पिटल के लिए, पेट्रोलियम के लिए, जो भी आपका दे दीजिएगा, इंडस्ट्रियल के लिए। मैं मिड डे मील के लिए दे दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपका ब्लॉक एरिया, उसके बाद यहाँ रीजन मैं ब्लर कर ले रहा हूँ ताकि मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ। उसका दोस्तों यहाँ फ़ोटो अपलोड इमेज कर लेना है, फ़ोटो अपलोड इमेज कर लेना है इस प्रकार। उसके बाद चलिए मैं निकाल ले, चलिए मैं टेक ए फोटो पर क्लिक करता हूँ इस प्रकार। और आप लाइब्रेरी चाहे ले भी सकते हैं, आप इसको ग्रिड को अलाउ कर दीजिए ताकि वो वहाँ से कोई एक फ़ोटो ले सके, ठीक है। तो मैं कुछ भी अपना यहाँ से कुछ भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ, अपना जो भी एक फ़ोटो है उसको मैं सिंपल सा यहाँ से पिक कर लेता हूँ। शायद देखते हैं कि कहाँ मेरा एक फ़ोटो है, ठीक है, वहाँ से ले लूँगा। जहाँ से भी एक फ़ोटो आपको ले लेना है, ठीक है, इस प्रकार ले लेना है। और उसके बाद आईडी प्रूफ में आप अपना आईडी का प्रूफ, ये करते के पिक्चर आईडी प्रूफ में। मैं चलिए आईडी के लिए दे रहा हूँ, पैन कार्ड को दे रहा हूँ। चलिए इस प्रकार मैं दे रहा हूँ पैन कार्ड को, और जो है इस प्रकार मैं यहाँ फ़ोटो क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार। उसके बाद यहाँ राइट कर दे रहा हूँ, मतलब ये हो गया सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद यहाँ भी क्लिक कर दे रहा हूँ, उसके बाद टेक ए कर ले रहा हूँ। आपका अगर रहेगा तो आप दे सकते हैं डायरेक्टली, आप कुछ भी दे सकते हैं। चलिए मैं इसको दे रहा हूँ, इस प्रकार आपको ले लेना है और फिर यहाँ ये कर देना है, ठीक है। इस प्रकार आपको फिर से इधर वाला भी मैं ले रहा हूँ, फिर ये करके फिर इधर बैक साइड का ले रहा हूँ। इस प्रकार आप चाहें तो दोनों साइड, अच्छा से नहीं हुआ तो मैं अच्छा से ले रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार अच्छा से ले लीजिएगा, नहीं तो अच्छा से नहीं लीजिएगा तो दोस्तों कैंसिल होने का डर रहता है। और फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू, चलिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, और भी है मेरे पास, चलिए वोटर कार्ड है, दिक्कत नहीं है। टेक ए पिक्चर ऐसे कर लेंगे और फिर इसको भी सिंपल सा ऐसे करके ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको भी ये कर देंगे। देखिए अब यहाँ है दोस्तों कि फ्रॉम डेट से कितना तक
क्या तक, ठीक है। आप जब से चाहते हैं, कब से चाहते हैं, आप जब भी चाहते हैं। चलिए मैं 15 से कर ले रहा हूँ, और इधर कितना दिन के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, मुझे 17-18 तक चाहिए, ठीक है। आप यहाँ से सिंपल सा आप यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट कर देने के बाद दोस्तों आपका बिल्कुल ई पास मतलब अप्लाई हो जाएगा, और कुछ दिन मतलब कुछ टाइम के बाद आपका अप्रूवल हो के एकदम आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ये टाइम ले रहा, थोड़ा सा नेट आपका स्पीड रहेगा तो हो जाएगा। दोस्तों हम लोग का डाटा सबमिट हो चुका है, आप चाहें तो सेव कर सकते हैं, मैंने सेव ऑलरेडी कर लिया है। देखिए ये इस प्रकार आ गया कि आपका जो है आपका पास के लिए ये जो है देखिए ये आ गया है, ये आ जाएगा, डोंट सबमिट द सेम एप्लीकेशन अगेन, इस प्रकार आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको जानते हैं कि 14 अप्रैल तक था, लेकिन ये बढ़ा दिया गया जिसके कारण मैंने अप्लाई किया। आप चाहें तो इस प्रकार कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।